नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दुनिया भर के मंचों पर पदक दिलाने वाले पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में धरना दिया और उन्हें फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। मामला बढ़ता देख खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया और फेडरेशन को नोटिस जारी कर 72 घंटे में आरोपों पर जवाब देने को कहा। मंत्रालय ने कहा, अगर WFI अगले 72 घंटे में जवाब नहीं देता है तो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के प्रावधानों के तहत फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जुटे पहलवानों ने घटनाक्रम को देखते हुए खेल मंत्रालय ने लखनऊ में होने वाले शिविर को भी रद्द कर दिया है। दरअसल बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। विनेश फोगाट ने रोते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया है कि वो लंबे समय से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में नेशनल कैंप में भी कई कोच ने महिला पहलवानों का शोषण किया है। धरना दे रहे सभी पहलवान और जंतर मंतर में बैठे हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुए और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है, तो आप सभी एकजुट होके, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा उसको हमें बचाना है, तो आप सभी एक बार इकट्ठा होके एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तिरंगे के लिए खेल रही है, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही है, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, और दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों के खिलाफ महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, गुजरात की घटना हो या उत्तर प्रदेश की घटनाएँ हों, आखिर बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार या यौन शोषण के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला पहलवानों ने यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में धरना दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको बता दें मयूरी की राष्ट्रीय कुश्ती संघ एवं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं फिलहाल बोर्ड के बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर देश के नामी गिरामी पहलवानों ने यौन शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कल राजधानी लखनऊ, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। आपको बताया कि आज कल पहलवानों ने अपने मोर्चे खोले, उसके बाद आज एक बार फिर पहलवान जंतर मंतर पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि इन पहलवानों का साफ तौर पे आरोप है कि इनके जो बोर्ड के सदस्य हैं और तमाम कोच हैं वो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करते हैं और उनका मानसिक रूप से प्रताड़ना देते हैं। अब आपको बताएं कि इसमें नामी गिरामी देश के पहलवान हैं, बात की जाए तो ओलंपिक में देश की मान बढ़ाने वाले बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सविता मोव, अमित धनकर, सुजीत मान, अंशु मलिक समेत लगभग दर्जनों की संख्या में पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पर आरोप है कि हमें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 6ठी बार सांसद हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाए, साथ ही साथ जो कोचेज हैं उनको, उनके जो रवैये हैं उसमें बदलाव हो। और साफ तौर से देखा जाए तो इनका कहना है कि हमें किसी सरकार या किसी निजी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने अध्यक्ष और कोचेज से शिकायत है, और उनका कहना है कि पहलवान अखाड़ा में मेहनत करता है और रेसलिंग के अंदर में मेहनत होती है, और मेहनत में मानसिक संतुलन सही ना होने की वजह से हमारे प्रदर्शन पे भी असर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये खिलाड़ी 28 से ऊपर हो चुके हैं, इनका भविष्य नहीं है, इसलिए धरने पर बैठे हैं। और वहीं अगर बात की जाए
तो इन खिलाड़ियों का कहना है कि अभी कुछ नाम सामने आए हैं और अगर देखें तो खासकर महिला जो पहलवान हैं उनको आए दिन मानसिक रूप से उन्हें शोषण किया जाता है, जिससे उनके खेल पर प्रभाव पड़ता है। और अगर बात करें तो बजरंग पूनिया का कहना है कि हम बस अध्यक्ष पद में बदलाव चाहते हैं और जो WFI है यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उसमें बेहतरी आए, जिससे देश के पहलवान जो हैं वो देश का गौरव बढ़ा सके। आपको बताएं कि इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी घमासान तेज हो चुका है और कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बिजभूषण सवन सिंह, जो कि कहीं ना कहीं देखें तो एक वरिष्ठ नेता हैं और एक पहलवान हैं, उनके ऊपर तमाम सवालों की झड़ियां लगाई जा रही हैं। वहीं बिजभूषण सवन सिंह के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये जो भी आरोप लगे हैं ये सत्य हुआ तो मुझे फांसी दे दो। अब देखने वाली बात ये होगी, ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं देखें तो उनका खेल मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, राष्ट्रीय खेल मंत्रालय है, उनके जो जिम्मेदार हैं अनुराग ठाकुर, उनसे विशेष बात की जाए तो बिजभूषण सवन सिंह ने बात की है और साथ ही साथ खिलाड़ियों से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसको निदान दिलाया जा सके। अब वही अगर बात की जाए तो बजरंग जिस तरह से पहलवान धरने पर बैठे हैं, मामले को बढ़ता देख खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया और फेडरेशन को नोटिस जारी की है, 72 घंटे में आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा है, तो और क्या कुछ सामने आ सकता है क्योंकि अभी 72 घंटे हैं। हाँ जी बिल्कुल मयूरी, आपने सही कहा, वर्ल्ड फेडरेशन जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको खेल मंत्रालय की तरफ से 72 घंटे का समय दिया गया है। इन 72 घंटों में पूरे मामले की जांच करके और रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को देना होगा। और वहीं अगर बात की जाए तो अध्यक्ष जो है फिलहाल के बिजभूषण सरन सिंह, उनके भी जाँच की मांग की स्वीकृति दी गई है कि उनके भी जांच की जाए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी बैठे हैं ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, देश के गौरव हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं देश का जो झंडा है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर फहराया है, चाहे बात की जाए कॉमनवेल्थ, चाहे बात की जाए एशियन गेम्स, चाहे बात की जाए ओलंपिक, तो इन सभी जगहों पर इन खिलाड़ियों ने देश का परचम फहराया है, झंडे को फहराया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट कहीं ना कहीं अपना कड़ा रुख लेकर जांच का आदेश दे दिया है और 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। अब खिलाड़ी वहां से जो कह रहे हैं कि जब तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई, अध्यक्ष को नहीं हटाया जाएगा, उनका धरना चलता रहेगा, वो मौन धरना लेकर और जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दल के नेता भी उनके समर्थन में आए हैं और 72 घंटे में देखने वाली बात यह होगी कि इसमें क्या निकल कर आता है। वहीं कुछ पहलवानों ने ये भी आरोप लगाया है कि वर्ल्ड फेडरेशन जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है WFI, वो उनके निजी जीवन में भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी करता है और इससे उनका खेल प्रभावित होता है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश से आने वाले बिजभूषण सरन सिंह, जो कि झारखंड में एक हाल फिलहाल में ही झारखंड में एक कुश्ती का प्रतियोगिता हुआ था जहां वो मंच पर एक बच्चे को थप्पड़ लगाते हुए सुर्खियों में आए थे, तो साथ ही कहीं ना कहीं आरोप प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, जांच का विषय है और 72 घंटों बाद इस पर WFI अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट को भेजेगी। जी विवांशु, वहीं बृजभूषण सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये किसी बड़े उद्योगपति की मेरे प्रति साजिश है, और उनके द्वारा क्या कुछ बातें कही गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बिजभूषण सरन सिंह जो कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर ये आरोप सही होते हैं तो उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी यानी कि विनीस फोगाट के आरोप जो उनके ऊपर लगाया गया है, जो विनीस फोगाट है उन्होंने आरोप लगाया है कि मानसिक रूप से मेरा शोषण किया जा रहा है कोच और अध्यक्ष के द्वारा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके आरोप जो लगा रही हैं वो निराधार है और उनकी उम्र निकल गई है, इसलिए वो अपनी भड़ास कहीं ना कहीं अध्यक्ष पर निकालते हुए नजर आ रही हैं। और एक ही शब्द बिजभूषण सरन सिंह ने कहा है कि अगर ये आरोप सत्य होते हैं तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने तमाम खिलाड़ियों ने कहा है कि हम देश के लिए मेडल लाते हैं और हमारे साथ जैसा रवैया हो रहा है इससे कहीं ना कहीं भारत का परंपरागत पहलवानी पे असर आएगा और अगर इन सब चीज़ों को बदला जाता है तो भारत कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान हासिल करेगा आने वाले दिनों में।
और वहीं अगर बात की जाए मयूरी, तो हाल फिलहाल में जो भी इवेंट है रेसलिंग के, उसको कैंसिल किया गया है और रेसलर्स की तरफ से कहा गया है कि जब तक इस मामले का जांच करके अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता है, तब तक वो किसी खेल में, किसी रेसलिंग कॉम्पिटिशन के अंदर में हिस्सा नहीं बनेंगे। जी जी धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।